आवडत. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड. आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक इरोटिक हॉरर मूवी है, जिसे अगर आप 18 प्लस होता भी देखेगा, क्योंकि मूवी में बहुत सारे 18 प्लस सीन्स हैं. मूवी की कहानी एक स्ट्रिप क्लब के ऊपर बनी हुई है और इस मूवी की IMDb रेटिंग तो कम है, लेकिन ये रोटन टमेटो पर 85% ट्रैश है. तो हो ना हो ये मूवी अच्छी तो ज़रूर है. तो चलिए अब मूवी में आगे बढ़ते हैं. तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर एक बहुत ही अजीब पेशेंट को दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी ब्लैक हो चुकी थी और उसका ब्लड भी ब्लैक हो गया था. कुछ समय के बाद में उस पेशेंट को देखने के लिए एक नर्स वहाँ पर आती है और तो वो पेशेंट उल्टी कर देता है जिसमें से कोई ब्लैक लिक्विड निकल रहा था. जब वो नर्स उसे संभालने के लिए उसके पास में जाती है तो पेशेंट उसी नर्स पर हमला करके उसका गला चीर देता है. उस नर्स की चीखें सुनकर 3 हॉस्पिटल का स्टाफ उसे बचाने के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन वो सभी पर हमला करके उन्हें जान से मार देता है और उस रूम से बाहर आता है तो वो होता है सिर्फ खून. सीन कट होता है और अब कहानी एक स्ट्रिप क्लब की तरफ आती है जिसकी ऑनर थी ब्लू. वहीं पर ब्लू का हाई स्कूल फ्रेंड रेमी भी बाउंसर का जॉब करता था और रेमी ब्लू को बहुत लाइक करता था. उसी दिन ब्लू के लिए वहाँ पर कोई फ्लावर भेजता है जो ब्लू को बहुत ही पसंद आता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि उसे फ्लावर कौन भेजता रहता है. ब्लू उस फ्लावर को चेंजिंग रूम में लगा देती है और वहीं पर हम उस स्ट्रिप क्लब के डांसर्स को देखते हैं जिनके नाम थे बेबी, फ्रेंकी और कार्ला. कार्ला प्रेग्नेंट थी तो इसलिए बहुत मन से काम नहीं कर रही थी और उसी दिन टीना नाम की एक नई लड़की उस स्ट्रिप क्लब में एज ए डांसर ज्वाइन करने के लिए आती है. वो बहुत ही नर्वस थी तो इसलिए बाकी की लड़कियाँ उसे कम्फर्ट करती हैं. साथ ही वहाँ की लड़कियाँ उसे बताती है कि उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी कस्टमर उसे हाथ तक नहीं ला सकता है और उसकी सेफ्टी के लिए बाउंसर्स हमेशा उसके पास में रहेंगे. वहाँ के सभी लड़कियाँ सेफ्टी के लिए अपने पास में कोई ना कोई हथियार रखती थी और बेबी अपने साथ में गन लेकर भी घुमा करती थी. तभी रेमी से ब्लू को पता चलता है कि डेल्स उससे मिलने आया है, जो कि उसके केबिन में उसका वेट कर रहा है. और उसकी बात सुनकर ब्लू डेल्स से बात करने के लिए जाती है. उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डेल्स ने वहाँ की ज़मीन खरीद ली है तो ब्लू को अपना क्लब खाली करना होगा, लेकिन ब्लू उस क्लब को छोड़ना नहीं चाहती थी. ऊपर से उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वहाँ की ज़मीन को खरीद पाए. वो डेल्स किसी भी हालत में वहाँ की ज़मीन नहीं छोड़ने वाला था. जाने से पहले डेल्स ब्लू को क्लब की इलेक्ट्रिसिटी और पानी बंद करने की भी धमकी देता है. फिर उसके बाद में डेल्स जब क्लब से बाहर जा रहा था तो माइंस में काम करने वाले कुछ लोगों से जाकर टकराता है, जिससे उसके शर्ट पर कोई ब्लैक कलर का लिक्विड लग जाता है और उसका शर्ट गंदा हो जाता है. इस बात से गुस्सा होकर डेल्स उन लड़कों पर बहुत ही गुस्सा करता है, लेकिन वो लड़के उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उससे मजाक में लेते हैं और क्लब के अंदर चले जाते हैं. इधर ब्लू क्लब को खो देने के डर से दुखी हो रही थी और वो क्लब पहले उसके हस्बैंड स्टीव का था और तब वो वहाँ पर एक स्ट्रिप डांसर थी. उसके हस्बैंड की मौत के बाद में वो उस क्लब की ओनर बन गई. साथ ही उसका स्टेपसन लोगन भी उसके साथ में रहता था. रेमी यहाँ पर ब्लू के साथ में रिलेशनशिप में आना चाहता था, लेकिन ब्लू अपने हस्बैंड को बुला ही नहीं पा रही थी. फिर अपना मूड हल्का करने के लिए ब्लू बाहर आती है और वहाँ पर वो देखते हैं कि ट्रेविस नाम का एक लड़का उसकी बाइक को देख रहा है और ब्लू की दोस्त टॉम की पहचान की थी. ट्रेविस उस बाइक को खरीदना चाहता था लेकिन ब्लू उसे किसी कीमत पर बेचना नहीं चाहती थी. उस बाइक के साथ में उसकी बहुत सारी मेमोरीज भी जुड़ी हुई थी. तब ट्रेविस ब्लू के साथ में बदतमीजी करने लगता है, जिसके बाद में गुस्से में आकर ब्लू बेसबॉल बैट से मारकर ट्रेविस का दांत तोड़ देती है. ट्रेविस इस बात से ब्लू पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन टॉम उसे समझाने लगता है पर ट्रेविस फिर भी शांत नहीं होता है. ब्लू जब क्लब के अंदर जा रही थी तो ट्रेविस उसके ऊपर हमला करने के लिए क्लब के अंदर आता है, लेकिन सही समय पर उन्हीं माइन वर्कर में से एंड्रू नाम का वर्कर ट्रेविस को मारकर ज़मीन पर गिरा देता है और रेमी के साथ मिलकर वो उसे क्लब से बाहर फेंक देता है. इस बात से ब्लू एंड्रू से बहुत इंप्रेस होती है और उन वर्कर से बात करने लगती है. वो किसी बात को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन वे इस बात को ब्लू से छुपाते हैं और कहते हैं कि वो बस उनके एक दोस्त मैथ्यू की बर्थडे पार्टी को वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं. यहाँ पर बेबी अपने पूरे कपड़े उतारकर स्टेज पर डांस कर रही थी, जिसे देखकर टीना नर्वस हो रही थी क्योंकि उसने आज तक कहीं पर भी स्ट्रिप डांस नहीं किया था. तब ब्लू और बारटेंडर टोनी टीना को मोटिवेट करते हैं
जिससे उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। जब बॉबी का परफॉर्मेंस चल रहा था तो क्रिस नाम के एक माइन वर्कर की नाक से एक ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर आने लगता है और तब वो बाथरूम में जाकर अपने नोज को साफ करता है। तब तक उसकी हेल्थ बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और उसके पैर पर लगे चोटों के निशान पूरे काले हो चुके थे और उसकी आंखें भी पूरी काली हो चुकी थी। ऊपर से क्रिस को उल्टियाँ शुरू हो जाती है। उस हॉस्पिटल के पेशेंट की तरह क्रिस भी ब्लैक उल्टियाँ कर रहा था। कुछ ही देर के बाद में मैथ्यू नाम के एक वर्कर की भी तबीयत खराब हो जाती है और वो भी बाथरूम की तरफ चला जाता है, लेकिन वहाँ पर क्रिस उसका गला चीरकर उसे जान से मार डालता है। क्रिस पूरा बदल गया था और वो पूरा ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा था। दूसरी तरफ बेबी के बाद टीना स्टेज पर डांस करने लगती है और वो भी बॉबी की तरह पूरे कपड़े खोलकर कस्टमर के सामने डांस कर रही थी और सभी को उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा लग रहा था। तो वहीं पर टॉम और उसका दूसरा कस्टमर एक रूम में था जहाँ पर वेटर जीना डांस करके उनको एंटरटेन कर रही थी। तभी क्रिस चुपके से आकर उस कस्टमर का सर काटकर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। जीना और टॉम को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता है और वे लोग अभी भी अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे। क्रिस जब टॉम का भी सर उसी तरीके से काट देता है तब टॉम का खून जीना की बॉडी पर गिरता है और उसे टॉम की हेडलेस डेड बॉडी दिखाई देती है। लेकिन जीना कुछ समझ पाती उससे पहले क्रिस जीना का सर एक हथियार से क्रश करके उसे जान से मार डालता है। दूसरी तरफ ब्लू का स्टेपसन लोगन उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आता है। ब्लू वैसे चाहती तो नहीं थी कि इस उम्र में उसका बेटा लोगन ऐसे क्लब्स में जाए, लेकिन जब लोगन को ढूंढते हुए पुलिस वहाँ पर आती है तो ब्लू अपने कैबिन में उसे छुपने को कहती है। असल में लोगन ने किसी की कार की चोरी की थी और अपने डैड की गन भी वो अपने पास में रखा करता था, तो इसलिए पुलिस इस बारे में बात करने के लिए क्लब में आई थी। पुलिस ऑफिसर कॉल से ये बात पता चलने पर ब्लू लेडी पुलिस ऑफिसर कैथरीन को लोगन से बात करने के लिए उसके कैबिन में भेज देती है। इधर एक एक करके सभी वर्कर की हेल्थ खराब हो रही थी तो इसलिए वर्कर जीसस कुछ देर के लिए क्लब के बाहर चला जाता है। एंड्रू की भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसके हाथों पर लगी चोट भी अब ब्लैक होने लगी थी। दूसरी तरफ जब टीना का परफॉर्मेंस चल रहा था तो उसका बॉयफ्रेंड लुकस उसे रोकने के लिए वहाँ पर जाता है। तब टोनी लुकस को पकड़कर क्लब के एक दूसरे रूम में लेकर चला जाता है। टीना भी अपने बॉयफ्रेंड को रोकने के लिए उसके पास में जाती है, लेकिन उसी समय पर क्रिस वहाँ पर आकर टीना के ब्रेस्ट के आर पार एक हथियार घुसाकर उसे जान से मार डालता है। वे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले क्रिस लुकस के गले में वही हथियार घुसाकर उसे भी जान से मार डालता है। टोनी उस हथियार को पकड़ लेता है लेकिन क्रिस उसे चकमा देकर भाग गया था। उस हथियार में भी वही ब्लैक लिक्विड लगा हुआ था जो कि टोनी के हाथों पर भी लग जाता है। वह बहुत अंधेरा था तो इसलिए टोनी को पता नहीं चलता है कि उन्हें किसने मारा। तब तक वहाँ पर ब्लू और एमी भी आ जाते हैं। वो तीनों उन लाशों को देखकर टेंशन में आ गए थे। उनके बीच में कोई किलर घूम रहा था और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं था कि वो कौन है। फिर इसके बाद ब्लू के कहने पर रेमी और टोनी उन दोनों की डेड बॉडी को किचन में रखवा देते हैं और रेमी टोनी को वहीं पर किचन में रहने को कहता है ताकि कोई भी उन डेड बॉडीज के पास में न जाए। अब इस बारे में रेमी और ब्लू एंड्रू से बात करने के लिए जाते हैं क्योंकि उनके बाकी के फ्रेंड का कोई पता नहीं था। ऊपर से वो किलर भी ब्लैक लिक्विड से ढका हुआ था जैसे कि वो सभी थे। और तब जाकर एंड्रू से उन्हें पता चलता है कि कोई माइन में काम करते टाइम उन्हें एक ऑयल मिला था और वो सभी खुश हो गए थे कि वे लोग इस ऑयल को बेचकर अमीर बन जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने उस ऑयल को टच किया तो उन सभी की हेल्थ ख़राब होने लगी और उनके ज़ख्म और ब्लड भी धीरे धीरे ब्लैक होते जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उस ऑयल में क्या मिला हुआ है, पर वो ऑयल नॉर्मल ऑयल से कुछ अलग था। अचानक उनसे बात करते करते एंड्रू की भी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो भी उस ब्लैक लिक्विड की उल्टियाँ करने लगता है। पूरे क्लब के लोग ये देखकर डर चुके थे और पुलिस ऑफिसर काल कुछ कर पाते उससे पहले जीसस पीछे से आकर एक हथियार काल की बॉडी में घुसाकर उसे जान से मार डालता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कैथरीन और लोगन की बातों से हमें पता चलता है कि दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं और दोनों ही ब्लू के कैबिन में मेकआउट कर रहे थे। तभी वहाँ पर मैथ्यू आकर उनके ऊपर हमला कर देता है और दोनों को समझ पाते उससे पहले ही मैथ्यू टेबल को गिरा देता है जिससे कि कैथरीन का सब पूरी तरीके से क्रश हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। इन सब के दौरान कैथरीन की गन लोगन के पास में गिर गई थी जिसे उठाकर वो मैथ्यू को गोली मार देता है जिससे कि वो भी मारा जाता है। साथ ही वो जीसस को भी शूट करके मार डालता है। लोगन के हाथ में गन देखकर ब्लू उससे गन छीन लेती है कि तभी मैथ्यू फिर से जिंदा होकर उनके ऊपर हमला करने के लिए आ गया था, लेकिन ब्लू के हाथ में रखी गन में गोलियाँ नहीं थी। वो तब सही समय पर लोगन गन से शूट करके
उसे फिर से मार डालता है क्योंकि लोगन के पास में उसके फादर की भी गन थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनको बार बार गोली मारने के बाद भी वे फिर से जिंदा हो रहे थे और गोली मारने पर वो बस कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाते थे। अब ब्लू के कहने पर रेमी, लोगन और फ्रेंकी क्लब में एक कस्टमर को वहाँ से बाहर निकाले जाते हैं और ब्लू जाती है बाकी डांसर्स को लेने के लिए। दूसरी तरफ टोनी भी अब पूरा जोम्बी की तरफ बदल गया था क्योंकि उसके हाथों पर भी वही ब्लैक लिक्विड लग गया था जिससे कि वो इन्फेक्टेड हो गया था, और इसीलिए अब वो एक चाकू उठाकर हेड शेफ जॉन का सर काटकर उसकी बॉडी से उसे अलग कर देता है, फिर उसका सर गर्म तवे पर रख देता है। ये सब बाकी के शेफ देख रहे थे, जिसके बाद में टोनी उन सभी को भी मार डालता है। इधर ब्लू बेबी और कार्लो को जल्दी से क्लब के बाहर जाने की बात कहने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और क्रिस उस रूम में आ चुका था। उसे देखकर बेबी अपनी गन निकालती है, लेकिन गन चलाने से पहले ही क्रिस एक हथियार से बेबी का सर चीरकर उसे जान से मार डालता है। तब ब्लू एक बेसबॉल बैट से उसे मारने लगती है। उसी दौरान एक पानी से भरा फ्लावर पॉट क्रिस के ऊपर गिर जाता है और पानी उसकी बॉडी से टच होते ही वो उसकी बॉडी पर जलने लगता है। कुछ ही देर में वे पूरी तरीके से जलकर ख़त्म हो जाते हैं। अब टोनी ने पूरे क्लब की लाइट ऑफ कर दी थी और लाइट ऑफ होते ही जीसस फिर से जिंदा होकर एक चाकू रेमी के पैर के आर पर घुसा देता है। वो पूरे तरीके से रेमी को मारने वाला था, लेकिन फ्रेंकी गोली चलाकर उसे फिर से मार डालता है। दूसरी तरफ मैथ्यू फिर से जिंदा होकर लोगन के ऊपर चेंसों से हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लू आकर उसके सर पर बेसबॉल से मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर इसके बाद में सभी लोग एक जगह पर मिलते हैं। रेमी के पैर से चाकू निकल नहीं रहा था तो इसीलिए वो कहीं पर नहीं जा सकता था, और उन्हें अब तक टोनी के जोम्बी बनने के बारे में कुछ पता भी नहीं था और ना ही किचन के पूरे स्टाफ के मरने के बारे में उन्हें कुछ पता था। तो इसलिए ब्लू, फ्रेंकी और कार्ला किचन में जाते हैं जहाँ पर टोनी हमला कर देता है। फ्रेंकी और ब्लू उसके साथ में पूरी तरीके से लड़ते हैं। ब्लू एक बेसबॉल बैट से उसका सर क्रश कर देती है, तो वहीं पर लोगन रेमी के पैर से चाकू निकाल देता है। उसी समय एंड्रू फिर से जिंदा होकर उनके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही लोगन कई सारी गोलियां मारकर उसे जान से मार डालता है। अब दोनों देखते हैं कि जीसस फिर से जिंदा होने वाला था और लोगन के पास में गोलियां भी ख़त्म हो गई थी। जीसस उसे मार ही डालता, लेकिन समय रहते रेमी चेंसों से वहाँ पर आकर उसे जान से मार डालता है। फिर इसके बाद दोनों किचन में जाते हैं जहाँ पर लड़कियाँ थीं। जब किचन की लाइट ऑन होती है तो वे लोग गर्म तवे पर जॉन का सर देखते हैं, साथ ही पूरे किचन स्टाफ की भी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी। ये सब देखकर वे सभी बुरी तरीके से डर गए थे और सब एक दूसरे को किसी तरीके से संभालते हैं। फिर सभी किचन में पड़े हुए हथियारों को अपने पास में रखते हैं ताकि वे लोग अपनी जान बचा सकें। सभी लोग डिसाइड कर रहे थे कि फिर से जिंदा हुए जोम्बी को कैसे मारा जाए कि तभी टोनी फिर से जिंदा होकर फ्रेंकी के पेट में एक हथियार घुसाकर उसे जान से मार डालता है। ब्लू और रेमी ने गोली मारकर टोनी को मार तो दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि वो फिर से जिंदा जरूर होगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन जोम्बिस को कैसे मारा जाए। मरने के बाद भी वे लोग बार बार जिंदा हो रहे थे और मैथ्यू, जीसस और एंड्रयू फिर से जिंदा हो गए थे। कुछ समय में टोनी भी फिर से जरूर जिंदा होगा। अब ब्लू को क्रिस की बॉडी पर पानी लगते ही उसे जलकर मरने की बात याद आती है। अब ब्लू को याद आता है कि जब क्रिस की बॉडी पर पानी लगा था तो उसकी बॉडी जलने लगी थी, और वो इस बारे में बाकी लोगों को बताती है। बाकी लोगों को भी समझ में आ जाता है कि उन जोम्बिस की बॉडी पर पूरा ऑयल भर चुका था, और पानी और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, और जो भी टॉक्सिक उस ऑयल में है उसके साथ में पानी मिलते ही केमिकल रिएक्शन से वो जोम्बी जलकर मार जाते हैं। तभी टोनी फिर से जिंदा होकर कार्ला का पैर पकड़ लेता है, लेकिन जब उसका वाटर ब्रोक होकर टोनी पर गिरता है तो टोनी जलकर पूरी तरीके से वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब उन्हें पूरी तरीके से कन्फर्म हो गया था कि पानी ही उन जोम्बीज को ख़त्म करेगा, तो इसलिए अब वे लोग पानी ढूंढने लगते हैं। लेकिन ड्रिल्स ने तब तक क्लब के पानी का कनेक्शन काट दिया था और पूरे क्लब में कहीं पर भी पानी नहीं था। तो रेमी के कहने पर वे लोग बियर को यूज़ करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि बियर में 95% पानी होता है। जिसके बाद रेमी और ब्लू बार एरिया के लिए निकल जाते हैं और किचन में लोगन और काली रहते हैं। किचन के बाहर उन्हें एक इन्फेक्टेड आदमी दिखाई देता है, जिसके सर पर ब्लू बियर बोतल को तोड़ देती है और बियर उसकी बॉडी पर गिरते ही वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब दोनों बियर बोतल जमा कर रहे थे और मैथ्यू चाकू से रेमी के ऊपर हमला कर देता है, और तब ब्लू बियर पाइप को तोड़ देती है
और बियर मैथ्यू पर गिरा देती है, जिसके बाद में वो भी ख़त्म हो जाता है। जीसस ये सब देखकर उनके पास में नहीं आता है। अब रेमी भी जख्मी हो जाता है और मरने से पहले ब्लू को प्रपोज करता है। तब जाकर ब्लू को पता चलता है कि हर रोज़ फ्लावर रेमी उसके लिए भेजा करता है। दोनों आखिरी बार एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद में रेमी की मौत हो जाती है। तभी ब्लू जीसस को देखती है और वो उसकी तरफ एक बेसबॉल फेंक कर मारती है, जिससे फ्लोर पर गिर जाता है। जीसस भी उसके ऊपर चाकू फेंक कर मारता है, लेकिन उससे बस ब्लू के फेस पर छोटी सी चोट लगती है। फिर ब्लू एक ग्लास बियर जीसस के ऊपर डालकर उसे ख़त्म कर देती है और उसी समय वहाँ पर डेल्स आता है और उससे ब्लू को पता चलता है कि माइंस पर मिले ऑयल के बारे में डेल्स को पहले से ही पता था, और वो ऑयल ब्लू के क्लब की ज़मीन के नीचे भी था, तो इसलिए डेल्स ने वहाँ की पूरी ज़मीन खरीद ली और उसके वर्कर उस ऑयल को निकाल भी रहे थे। अब हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जो पेशेंट दिखाया गया था वो डेल्स का वर्कर ही था, जो कि इन्फेक्टेड हो गया था। इन सब बातों के दौरान डेल्स की नाक से भी वो ब्लैक लिक्विड बाहर आता है, मतलब कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। इस बात से डेल्स पूरी तरीके से घबरा जाता है और उस समय एंड्रयू वहाँ पर आकर चेंसो से डेल का पेट चीर कर उसे मार डालता है। अब वो ब्लू का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है और तब ब्लू अपने नुकीले शू से एंड्रयू पर वार करके उसे गिरा देती है और वो क्लब के बाहर चली जाती है। अब वहीं पर कार्ला को लिवर पेन हो रहा था और लोगन को उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है। कुछ ही देर में वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है, लेकिन कार्ला अपनी बेटी को देखती उससे पहले एंड्रयू वहाँ पर आकर कार्ला का पेट चीर कर उसकी आंत्रिका को बाहर निकाल कर खाने लगता है। तब लोगन उसके ऊपर बियर फेंक कर उसे ख़त्म कर देता है। कार्ला अभी भी जिंदा थी और वो बहुत तड़प रही थी। वो आखिरी बार अपनी बेटी को देखती है और फिर उसकी जान चली जाती है और लोगन उसकी बेटी को अपने पास में रख लेता है। दूसरी तरफ ट्रेविस भी अब इन्फेक्टेड हो गया था और ब्लू की बाइक चला रहा था। ब्लू को देखते ही वो फुल स्पीड में बाइक उसकी तरफ लेकर आता है, लेकिन ब्लू भी पूरी रेडी थी और वो बेसबॉल बैट से ट्रेविस को मारकर उसे बाइक से गिरा देती है। ट्रेविस फिर से उठकर ब्लू के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन सही समय पर लोगन कार को लेकर वहाँ पर आता है और ट्रेविस को कार से कुचल देता है। फिर वो ट्रेविस के ऊपर यूरिन करके उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। अब ब्लू काला की बेटी को देखती है, जिसे वो अपने पास में रखने का डिसाइड करती है। दोनों उसी बाइक पे बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो पूरे क्लब में आग लगा देती है, क्योंकि क्लब के नीचे भी वही ऑयल था और इसलिए वो पूरा एरिया जल जाता है और वहाँ पर ऑयल भी ख़त्म हो जाता है। पर कुछ ही देर के बाद में हम देखते हैं कि लोगन भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और वो जोम्बी में बदल कर काला के बेबी को बाइक से फेंक देता है और शायद ब्लू की भी इसके बाद में मौत हो जाती है। मूवी के आखिर सीन में हम ब्लू की पास्ट लाइफ को देखते हैं, जहाँ पर वो एक स्ट्रिप क्लब में डांसर थी और बहुत से लोग उसके फैन थे, और ब्लू के स्ट्रिप डांस के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था द पिलर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी में हमने देखा कि कैसे एक स्ट्रिप क्लब में कुछ लोग एंटर होते हैं और वे लोग इन्फेक्टेड होते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उनके साथ में क्या हुआ है। असल में वे लोग एक कोल माइन में काम करते थे, जहाँ पर से एक तरीके का ऑयल निकला था। उन वर्कर को, उनके मालिक को ऐसा लगा था कि उस ऑयल को बेचकर वो अमीर हो गए हैं, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि उस ऑयल से वे इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी में बदल गए थे। वे जिस क्लब में जाते हैं वो क्लब ब्लू नाम की एक लेडी का था, जो खुद पहले एक स्ट्रिपर हुआ करती थी और अब वो इस क्लब की ओनर है। अब वे इन्फेक्टेड लोग क्लब की स्ट्रिपर और क्लब के स्टाफ को मारने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि पानी के ज़रिए इन ज़ॉम्बीज को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि पानी ऑयल के साथ में मिक्स नहीं होता है और वो एक केमिकल रिएक्शन बदलकर उनकी बॉडी को चला देता है। लेकिन उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के बाद भी कोई भी मूवी के एंड में नहीं बच पाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।